हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब पेट्रोल वैन आपकी कैश ले जाने वाली गाड़ी एमसीआर 4343 की तलाश में लग गई है। जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए रामदास जी, आपकी कैश वैन किस रास्ते से जा रही थी? आइए जरा दिखाइए। सबसे पहले वो हमारे पलाड़ वाली ब्रांच में गई पलाड़, और यहाँ से गाड़ी निकली और न्यू बॉम्बे बेलापुर ब्रांच की तरफ गई। और इनफैक्ट महीने में दो बार हम इसी तरह पैसे यहाँ से वहां भेजते ही रहते हैं। से बेलापुर पहुंचने के लिए 1.5 घंटा काफी है, ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक वहां पहुंचनी चाहिए। लेकिन पहुंचे नहीं ना सर, और बिट्टू के साथ मेरा गार्ड भी था और उसके पास उसकी बंदूक भी थी। रामदास जी आप उनसे बात कैसे कर रहे हैं, वायरलेस से या मोबाइल फोन से? मोबाइल फोन। हर 20 मिनट एक बजे वो बलाड ब्रांच से निकले और जब मैंने 1:30 बजे बिट्टू से बात की तो पता चला कि वो यहाँ पवे सिग्नल पे। 1:30 बजे वो लोग पवे में सिग्नल पर थे। अच्छा उसके बाद फिर कब बात हुई आपकी? 2 बजे बिट्टू ने बताया कि वो यहाँ से निकलकर अपेक्षा नगर पहुंच गए एसएम रोड सिग्नल की तरफ। क्या आपकी कैश वैन हर 15 दिन इसी रास्ते से जाती थी? तो फिर कैश वैन पर वॉच रखना और उसे लूटना बड़ा आसान काम है। मगर सर ये पूरा रास्ता मेन रोड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता है। दिन दहाड़े अगर कोई हिम्मत भी करता है वैन लूटने की तो मेरे अंदर से सर वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर भी दया हम कैश वैन का रूट ही चेक करते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। हेलो, हाँ अच्छा ओके, हमें अपेक्षा नगर जाने की जरूरत है क्योंकि मानखेड़ा में कैश वैन रस्ते में खड़ी हुई है। जो नहीं होना चाहिए था वैसे लूट लिए गए। ड्राइवर का पॉइंट नहीं था तो सिर्फ लूट लेते हैं, इन्हें मारने की क्या जरूरत थी उन्हें? ये वैन पहले किसने देखी? इन्होंने देखी है, ये पास में ही रहते। जब वो 3:15 बजे यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मगर जब 3:35 को जब ये वापस लौटे तो इन्होंने ये सब कुछ देखा। ये दरवाजा ड्रिल्स और फ्लेम कटर से काटा गया है, मगर सिर्फ ताला ही क्यों नहीं काटा? पूरा दरवाजा काटने की क्या जरूरत? उसमें एक स्पेशल टाइप का लॉक है जो सिर्फ बैंक मैनेजर ही खोल सकते हैं। सर इसमें से एक भी गोली नहीं चलाई गई है, शायद मौका ही नहीं मिला हो चलाने के लिए। हो सकता है बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दें। रामदास जी आप इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करवा दीजिए। कैसे बताऊंगा, क्या कहूं मैं? 2 बजे वैन अपेक्षा नगर एसएम रोड सिग्नल पर थी, वहीं से आपको ड्राइवर का आखिरी मैसेज आया था है ना? हाँ। और 2:30 बजे फोन डेड हो गया था, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ है। हमें अपेक्षा नगर चलकर वहीं से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर दो। देखो यहाँ से बैंक की गाड़ी गुजरी थी, जानते हैं ना उसके पीछे लोहे का दरवाजा होता है और एक ताला लगा हुआ रहता है,
पहचानते हो जो पैसे लेकर जाती है नीले रंग की वैन? बहुत बार देखा मैंने उस गाड़ी, 10 साल से यहीं पर भीख मांग रहा हूँ। इधर से जाने वाला सब गाड़ी अपन जानता है। देखो आज जब 2 बजे गाड़ी यहाँ से गुजरी थी तो गाड़ी ठीक ठाक दिख रही थी या कुछ गड़बड़ था? आज लेकिन आज तो गाड़ी यहाँ से गई नहीं था। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो आप ही को मालूम होगा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई मजबूरी। अरे अच्छा भला वफादार आदमी अचानक झूठ क्यों बोलेगा? रामदास जी वो तो जब हम बैंक में इंक्वायरी करने के लिए आएंगे ना तब पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में क्या चक्कर है। आप लोगों के लिए आसान बात है, कोई कंप्लेंट करने आए उसे पकड़ लो। मेरा यहाँ सारा करियर बर्बाद हो गया, मेरी नाक के नीचे से 2.5 करोड़ चले गए और आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की कोई मजबूरी होगी? क्या मजबूरी हो सकती है? गलत बात है, मुझे पिस्तौल विस्तौल से बहुत डर लगता है। सलामत तो पकड़ी हजार। रामदास जी एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी रकम इस गाड़ी से ले जाए तो गाड़ी में अच्छी होगी। इसलिए हम गाड़ी को हर हफ्ते गैराज में भेजते हैं। कौन से गैराज में भेजते हैं आप? हमारे बैंक के नजदीक के गैराज में, गंगाधर गैराज। इस गंगाधर को बुला और उसे कहो साथ में गाड़ी के रिपेयर के पेपर। मैंने वैन को अच्छी तरह से चेक किया था, गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी। गंगाधर जब वैन तुम्हारे यहाँ से निकली तो क्या तुमने मीटर रीडिंग लिया था? क्या तुम किलोमीटर का रीडिंग लिख कर रखते हो क्या? बिल्कुल साहब, हम माइलेज भी तो चेक करते हैं। अभी अभी एक मिनट आपको बताता हूँ। हाँ मिल गया था। जब गाड़ी हमारे गैरेज से निकली थी तो उसका मीटर रीडिंग था 29,345 किलोमीटर। ये देखो। पुलिस वर्कशॉप में बोल दो, यहाँ गाड़ी NCR 4343 खड़ी है, वहाँ सुधाकर से कहो कि वो किलोमीटर का रीडिंग चेक करो और हमें बताएं वो कितना है। हेलो, हाँ सर, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी देख के बताता हूँ।
हाँ सर, 2 9 3 6 2 इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन अचानक आ रहा है रामदास जी, 29,362 से अगर आप 29,345 निकाल लें तो बचते हैं 17। इसका मतलब है गैराज से निकलने के बाद गाड़ी रामदास, तुम्हारा गैराज बैंक से कितना दूर है? सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है साहब। सिर्फ 1 किलोमीटर? सो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से निकलने के बाद गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली। जबकि गाड़ी हमें मिली मानकीड़ा में 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर 70। जबकि गाड़ी का मीटर दिखाता है कि गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली, तो फिर गाड़ी 70 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? चक्कर है सर, ये तो केस और उलझता जा रहा है। नहीं रामदास जी, ये तो बल्कि और भी आसान हो गया है। ये देखो ये मालाड़ है जहाँ आपका बैंक, और ये मालाड़ के चारों तरफ 16 किलोमीटर का सर्कल, क्योंकि वैन 16 किलोमीटर चली। तो मालाड़ से मानकीड़ा के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक ये यहाँ सीधे दिगंबर रोड होके मानकीड़ा, और दूसरा मालाड़ से अंबे मिल्क कॉलोनी होकर यहाँ। दया, हमें इन 2 रास्तों पर क्या बात है साहब? ये बताओ, आज तुम यहाँ ड्यूटी पर थे? जी। दोपहर को 1 बजे के बाद यहाँ से एक बैंक की कैश ले जाने वाली वैन देखी थी। वैन के पीछे की तरफ मेटल प्लेट के दरवाजे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। गाड़ी का नंबर है MCR 43, और ड्राइवर के साथ एक बंदूक वाला गार्ड भी था। वो गाड़ी तो हर 15 दिन में एक बार यहाँ से गुजरती है। आज गई थी? हाँ साहब। कितने बजे? 1:10। बॉस, फाइनली कोई तो एक आदमी मिला जिसने अपने आप से उस गाड़ी को देखा था। अच्छा ये बताओ, तुमने ड्राइवर और गार्ड दोनों को देखा? साहब मैंने रसीद फाड़ी थी। अच्छा, दोनों के साथ कोई और भी था क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं सर, अभिजीत को फोन करके बताओ। वैन को अपने कंपनी में अंदर आते हुए देखा सर। अभिजीत इस प्राइवेट रोड के दूसरे गेट पर, वो टोल नाके वाले से पूछता है। चलो वही चलते हैं। सर आप तो जानती हैं ये प्राइवेट रोड इस मिल कॉलोनी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। काफी छोटी छोटी सड़कें हैं जो कॉलोनी के अंदर जाती है सर, मगर अंदर आने का और कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता एक एक ही है। अगर कोई गाड़ी कॉलोनी के गेट से अंदर आती है तो बाहर जाने के रास्ते से ही वो बाहर निकलेगी, या फिर उसे उसी रास्ते से बाहर जाना होगा जहां से अंदर आई, और कोई रास्ता है ही नहीं। आज ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ क्यों हैं? हाँ अभिजीत, यहाँ बाहर जाने वाले गेट पे जो अटेंडेंस ड्यूटी पे हैं उन्होंने वैन को बाहर जाते नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो वैन बाहर नहीं गई। अच्छा, मतलब वैन कॉलोनी के अंदर आई जरूर है और बाहर नहीं गई। फिर भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मानकीड़ा में वैन पाई गई, कैसे हो सकता है? मेरा शक सही है। वैन के स्पीडोमीटर की रीडिंग दिखाती है कि वैन सिर्फ 16 किलोमीटर चली, जो यहाँ अंबेवाड़ी पहुंचने तक खत्म हो जाती। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है यही यहीं पर हुआ है। चलो हम वापस वहीं चलते हैं जहां पुलिस मिली। लेट्स गो।
आप यहाँ इतना हेवी बंदोबस्त क्यों? सर, हेल्थ मिनिस्टर और कुछ और नेता यहाँ आने वाले, इसीलिए यहाँ हमेशा की तरह बंदोबस्त किया गया है। यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज कौन है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सर, इंस्पेक्टर प्रताप वहाँ रोड नंबर 4 पर है। रोड नंबर 4। बात बताइए, क्या आपने या आपके किसी आदमी ने यहाँ एक आर्मर्ड वैन, बैंक की कैश वैन यहाँ से 1:15 बजे जाते हुए देखी थी? वो अम्बे कॉलोनी आई थी, वो बैंक की गाड़ी ना? हाँ। जी हाँ, मैंने उसे यहाँ से पास होते हुए देखा था। करीब 1:20 पर वो यहाँ से पास हुई थी और आर्मर्ड वैन थी, इसलिए उसकी तरफ ध्यान तो जाएगा ही। किस तरफ गई थी? थोड़ी दूर तक तो मैं उसके पीछे था, लेकिन अचानक उसने राइट टर्न ले लिया। जरा दिखाएंगे वो जगह जहाँ से उसने राइट टर्न लिया? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से चलना है। आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ मुझे। हाँ चलो। आर्मर्ड वैन को, मतलब कैश ले जाने वाली वैन को यहाँ से जाते हुए देखा था? नहीं सर, उस समय मैं आगे वाले एरिया में, इस रोड पर मैं तकरीबन 1:30 बजे आया चेकिंग के लिए। लेकिन सर, उस समय यहाँ पर कोई आर्मर्ड वैन नहीं। हाँ, एक ट्रक जरूर था। ट्रक? जी हाँ सर, एक बड़ा सा ट्रक था, सफेद रंग का, वहीं पर पार्क किया हुआ। शायद कुछ टायर पंक्चर हुआ, ऐसे कुछ हुआ। जल्दी काम खत्म करके जल्दी निकल ले। हाँ, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही, जल्दी। ट्रक पर बंधु ब्रदर्स का नाम लिखा था। जी हाँ सर, और जब 10 मिनट बाद मैंने वापस चेक कर मारा तो ट्रक वहाँ नहीं था। मगर इस बीच भी आपने यहाँ कोई आर्मर बैंड नहीं देखा? नहीं सर। एक बात बताओ, क्या वो ट्रक पूरा कवर होने वाला था, मतलब पीछे से पूरा बंद होने वाला था? जी हाँ सर। टायर चेंज कर रहा था तो दिखता कैसा था? सर, कुछ छोटे से कट का था, सांवले रंग का, और हाँ, उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई। पता करो बंधु ब्रदर्स नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी है भी क्या? हाँ भी सर, यहाँ के आदमियों ने बंधु ब्रदर्स के ट्रक को तो बाहर जाते देखा है, लेकिन कसम खा के कह रहा है कि बैंक की गाड़ी यहाँ से नहीं गई। अच्छा, और ये लोग सुबह से यहीं पे हैं, इतने भी आदमी सब सुबह से ड्यूटी पर। हाँ भैया, कुछ पता चला? सर, मैंने अच्छी तरह से चेक किया, बंधु ब्रदर्स नाम की कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ही नहीं। मुझे लगा ही था बंधु ब्रदर्स नाम की कंपनी
एक काम के लिए बनाई गई थी, वो बैंक की गाड़ी लूटने के लिए। पैसा हजम, काम खत्म। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।